वेलकम बैक व्यूअर्स काशि भाई हमारे साथ एक कॉलर हैं न्यूयॉर्क आई थिंक फ्रॉम टोरंटो अस्सलाम वालेकुम कॉलर प्लीज़ अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ अपना नाम बताइए और ये भी प्लीज़ हमें बताएं हम थोड़ी सी सेंसर्स uh, जमा करना चाह रहे हैं टू फिगर आउट की जो टी वी वन शो है हमारा क्या इसको हम अभी के लिए रोक दें वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है या इसको जारी रखें uh, दो घंटे का होता है इसको दो घंटे का रखें एक घंटे का रखें तो प्लीज़ थोड़ी सी उस पर हमें जरूर फीडबैक दें अस्सलाम वालेकुम गो हैट प्लीज़ जी वाले आ, मेरा नाम नफीस है टोरटो से बोल रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका आप इसको कंटिन्यू रखें मतलब है क्रिकेट रखेंट पाकिस्तान रहना चाहता है और ये हाल में बेस्ट प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी राय भी आ, दे सकते हैं एक दो मैंने बात है मैंने की आपसे लोग का नाम ले रहे हैं क्या रैली कि उसको टीम में रखा जाए आ, में में तो वो काफी से खेल रहा है, तो है, है। सवाल करता हूँ आपसे सिंपल सवाल करता हूँ की एक बंदे की फोर्टी फोर की बैटिंग एवरेज है छोड़ देंगे कराची से लाहौर से पिशावर से मुल्तान से गुजरावाला से एक प्लेयर की फोटी फोर की बैटिंग एवरेज है और सत्तर के करीब उसका स्ट्राइक रेट है उसकी जगह बनती है हमारे करंट बैट या तो आप ये अगर मुझे ये बोलें कि भाई हमारी टीम के अंदर विराट कोहली खेल रहा है धोनी खेल रहा है शेखर धवन खेल रहा है ये लोग खेल रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ जब हमारी टीम के अंदर वो लोग खेल इनकी बैटिंग एवरेज आपके सामने एक शहजाज नहीं हिलती है हारिस सुल है मिसबा इन हालात के अंदर आप मुझे बताइए सर कि अगर एक लड़के की बैटिंग एवरेज चवालीस रन की है उसकी सत्तर की बैटिंग एवरेज है स्ट्राइक रेट है

जो किया था जिसमें मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर वगैरह थे जिसमें इसने डबल सेंचुरी बनाई थी ये ये उस वक्त के हिसाब से बनती है डबल सेंचुरी तो नहीं बनी नाइन पे आउट हो गया था और चलो खैर घर की बात है ओपन किया था इसने ओपन किया था ओपन किया सर ओपनर किया था क्या कह रहे हैं आप अच्छा मुझे नहीं याद सर, 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 था।, था ये और अच्छी बैटिंग की थी, तमीज की बैटिंग की थी लड़के के अंदर है। लेकिन इसकी जगह जरूर बनती है इसको चाहिए। लेकिन यार ये बात नहीं है हम लोग यही तो प्रॉब्लम ने जिक्र किया कि कराची हैदराबाद पिंडी लाहौर ये बातें हम बहुत कर चुके हो गई खुदा के वास्ते बात को छोड़ दे इन बातों को दफन कर दो लेकिन लेकिन बात सिर्फ उसकी करो मेरिट 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 क्रिकेट टीम मेरिट पे आती है एक आध इंक्लूजन गलत हो जाता है अब आगे चलो बात फवाद की काशि भाई इस बात में वजन है कि अगर हमारे पास और बड़े अच्छे प्लेयर खेल रहे होते तो ठीक है हम कहते हैं कि उसको बिठा देते हैं अगर क्योंकि हमारे पास वैसे ही तो अच्छे प्लेयर नहीं है तो उस उन तो हालात में तो और थोड़ा सा चांस बनता है हाँ बिल्कुल बनता है मैं मैं से एग्री करता हूँ लेकिन इसके लिए विजन की जरूरत है लेकिन अलमिया ये है कि वो साहब जिन्होंने डेढ़ सौ रन बनाए हैं टोटल अपनी कैरियर में वनडे क्रिकेट की वो भी एक क्राइटेरिया नहीं है मैं गलत बात कर रहा था मैं माफ़ी चाहता हूँ वो भी क्राइटेरिया नहीं है एक इंसान जो पिछले सौ साल से पी के ऊपर पैरासाइड बना बैठा हुआ है पैरासाइट जो खानदान बना बैठा हुआ है चारों तरफ से खून निचोड़ रहा है चारों तरफ से घूम एक एक फैमिली एक फैमिली रशीद रशीद फैमिली <laughs> उसका एक भाई लग जाता है विमेन क्रिकेट टीम के साथ एक लग जाता है अंडर 19 के साथ एक लग जाता है उसके साथ यार ये ये आजमाए हुए लोग हैं ये एक ये पैरासाइट हैं जिनको वतन से प्यार नहीं है जिनको क्रिकेट से प्यार नहीं है जाहिल है ये भाई। मेरे शहजादे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ पैरासाइट्स पैरासाइट्स है कि इसलिए पैरासाइट्स हैं ये कि इनके पास विजन नहीं है ये क्रिकेट बोर्ड की दीवारों से चिपके खड़े हैं बीस साल से तो इनका क्या पवा है बेसिकली बस

इमरान अच्छा ये वो पर्ची है अच्छा 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 लोग हमेशा मुझसे इमरान हाँ। क्या दामाद है ये अब में थोड़ा अच्छा, आपको पता नहीं मैं आपको और किससे खोलू हाँ मैं आज तक बड़ा हैरान हूं इमरान फरत कैसे है वो ये जो दस बीस लोग हैं ना ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अजाब एक तकलीफ बीमारी है सिर्फ हैं ये लोग जब तक के वतन से प्यार करने वाली मैनेजमेंट नहीं आएगी नाजरीन सुन लें इस बात को नहीं आएगी इस क्रिकेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी एक सीरीज जीत जाओगे जाओ जिम्बावे जाओ, जी, से जीत जाओ या गलती से कभी इंग्लैंड से भी जीत जाओगे लेकिन स्ट्रक्चरल जो 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 आपका आपकी 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 अंदर की तब्दीलियां हैं वो नहीं लाई जाएंगी इस क्रिकेट का कुछ नहीं होगा इमाम भाई सलाम अलैकुम थैंक यू फॉर कॉलिंग सर आई बिलीव यू आर कॉलिंग फ्रॉम टोरंटो तो प्लीज ये थे था। थे था। भी जरूर बताइए कि शो के हवाले से शुड वी कंटिन्यू द शो या इसको कम टाइम के लिए कर दें या बंद कर दें या दो घंटे के रखें प्लीज थोड़ा उसपे फीडबैक दें हमें जरूर हेलो सर वालेकुम सलाम �

शाहिद आ, आ, शाहिद अभी खेलेगा पांच वनडे और मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश वाला नहीं तो 35 राइट

हम अभी क्रिकेट के स्टूडेंट्स हैं हमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए हमें इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में चला के क्यों दिखाना चाहिए पाकिस्तान में जब सर मैं आपके आगे से अगर आर्गूमेंट पेश करूँ अगर मैं टी वी वन हूँ या मैं कोई और हूँ तो मैं बोलूँ कि यार अमेरिका में तो समझ आती है कि क्रिकेट का कोई और शो नहीं है लोग चाहते हैं बात करना अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो 2000 चैनल हैं उनमें से आप 2000 में से 2500 के बाद क्रिकेट का शो चल रहा है और एक्सपर्ट बैठा हुआ है तू भी बैठा हुआ है मैं भी बैठा हुआ हर बंदा एक एक्सपर्ट लेके बैठा हुआ है तो इस प्रोग्राम में ऐसी कौन सी खासियत है कि जो कि हम तो प्रोफेशनल भी नहीं है हमारा तो प्रोफेशन कुछ और है हम करें ये क्यों दिखाएं पाकिस्तान के लिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करी तुमने बहुत अहम पॉइंट रेस कर दिया बात यह है कि पाकिस्तान कौम को तीन चीजों में फख्र है कि उनको तीन चीजों के बारे में सब पता है ठीक है एक सियासत एक क्रिकेट एक 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 मजहब और तीसरा क्रिकेट ठीक है ये इसके ऊपर हमारे डीएनए में हमारे डीएनए में किसी भी महफिल में आप शादी में चले जाएं आप वलीमे में चले जाएं आप जनाजे में चले जाएं आप वो भाई मैयत रख के क्रिकेट पे बहस करना सब्जी वाले से सीईओ तक सीईओ तक सबको पता है सब एक्सपर्ट है सियासत मजहब और क्रिकेट और ऐसे ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए तो जो पॉइंट तुम्हारा है ना उसमें ये कि मैं ये बात इन्हीं प्रोग्राम से पहले भी कर चुका हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना तो कोई जाति दोस्तियां हैं और ना जाती दुश्मनियां हैं ठीक है। अगर हम वकार यूनुस और मिसबा के बारे में कोई बात करते हैं या जावेद मिया दाद और शाहिद अफरीदी पर्सनल वन डाटा नहीं है हम प्रोफेशनल लेवल पे बात Absolutely. करते हैं। शायद मुझसे मेरे लिए शायद ऐसा है सगा भाई लिटरली और इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग उसके वालिद ने मरते वक्त बखुदा मुझे आज तक वो याद है कि जब इंतकाल हो रहा है उन्होंने मेरा हाथ उठा के उसके हाथ में दिया और आंखों से इंटीबेटेड थे वो आंखों से आंसू बह रहे थे ये मुझे आज तक आपने उनका इलाज किया था यहाँ पे मैंने इलाज किया था और उन्होंने डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया आगा खान अस्पताल में तो शायद मुझे कहा कि मैं ये ट्यूब निकालने नहीं दूंगा जब तक कि आप नहीं आएंगे आई ट फ़्लाइट फ्रामूस्टन टू कराची और कराची एयरपोर्ट पर उतर के मैं सीधा आगा खान अस्पताल गया था और उसके वालिद को जब मैंने बताया कि ठीक है जो भी था अल्लाह को जो मंजूर है वो हो गया तो मेरे ऐसे ताल्लुक़ हैं इन लोगों से लेकिन जब बात मुल्क की आए जब बात क्रिकेट की आए जब बात वक़ार की आए इज्ज़त की आए तो फिर जितना आप, आप, आप शायद को डांटते हैं शो के ऊपर लेकिन और... मोहब्बत भी उतनी है personal. अभी कल उसका पर टेक्स कि यार वो तस्वीर भेज दीजिए अपनी मैंने भेज दी फिर बाद में पूछा भाई किस लिए थी कोई रिश्ता आपकी उम्र तो रिश्ते की अपना कोई ना शायद आफ्री फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रहे हैं उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो उसके लिए वो जिसके लिए साइकिल रेस वगैरह भी हुई थी So perfect. It goes back to the point <laughs> मार्केट में इस वजह से हम बात करते हैं दिल से तो जो बात दिल से की जाती है, वो दिल के अंदर जाती है। हमें ना तो वकार युनुस से अपने मैच के टिकट चाहिए ना हमें नजम से अपने भाई की नौकरी करवानी है ना हमें ना हमें मोइन खान से जनाब किसी दर्जी से कपड़ों के अंदर अलहमदी सॉरी बिल्कुल अलहमद हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काम तो इस से, इस से इस वजह वजह से, से अच्छा हम लोगों ने व्यूअर्स क्रिकेट वर्ल्ड का एज प्रॉमिस लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड का फेसबुक पेज अप हो चुका है क्रिकेट वर्ल्ड टीवी के टीवी वन शो, आ, शो के नाम से तो आप प्लीज फेसबुक पर और उसको लोकेट करें और उसको लाइक करें और अपने कमेंट्स दें एंड वी विल ट्राई टू तो आंसर इतनी कॉलें होती हम तमाम कॉलों के जवाब यहाँ नहीं दे सकते So, if you have any questions, please feel free to post them on Facebook. Kashif and I will make a note and team will make a note and we'll try to inshallah answer it. So, Cricket World and TV1 show. We have a caller. Assalamu alaikum. Caller, please. You have se call. Assalamu alaikum. My name is Asim Siddiqui and I'm calling from Canada, Ontario. Yes, Asif. Assalamu alaikum. जी अलहमदिल्ला मैं फर्स्ट टाइम आपका मैंने ये मैसेज देखा और बड़ी खुशी हुई मुझे कि डॉक्टर साहब का जो मैसेज है बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है और मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ डॉक्टर साहब की इस मैसेज से मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है वो ये कि वॉइल आई और इंडियन क्रिकेट जो है इसका आई सी के अंदर इतना इन्फ्लुएंस है तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी सजेशन होंगी कि हम हमारा थिंग टैंक क्या कहता है कि हम किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम करें थैंक यू एक्सलेंट क्वेश्चन बहुत बहुत शुक्रिया आपके ट्यून इन करने का और सवाल करने का अगर आप चाहें तो हमारे जो पिछले पंद्रह बीस एपिसोड्स हैं आप यूट्यूब पर जाके यू कैन सर्च इट अंडर क्रिकेट वर्ल्ड टी वी वन के ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा और हमारे फेसबुक पेज पर भी वेरी सुन यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग मोर मोर वीडियोज काशी भाई क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर के बीसीआई का रोल आई सी सी के साथ इसमें बड़ी इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। जी सर जवाब सिंपल सा ये है कि वो पंजाबी की एक मिसाल है मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुका हूँ इन प्रोग्रामों में कि कुछ सानू भी मरंदा शौक़ सी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी तो अपने मरने वाले शौक़ को ख़त्म कर दो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पैदा करो अपनी दीवारों को इतना मज़बूत बनाओ कि दुश्मन उन दीवारों में दरार पैदा खुद ही को, को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना एग्जैक्टली अपनी सोच को बुलंद करो उन लोगों को आगे लाओ देखो तुम्हारे पास लोगों की कमी नहीं है तुम्हारे पास अब्दुल कादिर जैसा हीरा बैठ तकदीर बदल देगा वो अच्छा जहीर अब्बास को बैठाओ तुम बैठाओ राशिद लतीफ को बैठाओ तुम बैठाते हो उन लोगों को यार जो, जो, जो वो फैमिली का कुछ कर दे भाई खुदा के वास्ते अच्छा छप फिटवाएंगे तो, आप तो, और तो, तो पाकिस्तान में वो जो है उनको उनको हमारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है हमारे पास वो लोग जो वतन से प्यार करने वाले हैं वो बैठ गए चार लोग जा करके, तो यकीन बेहतरी आएगी इन हो, या या तुम्हारी आयरिश क्रिकेट हो या न्यूजीलैंड क्रिकेट हो या जिम्बाब्वे क्रिकेट हो स्कूलों पर समझौता नहीं होता हमारा एक और मसला सुनो एक और मसला कॉलर प्लीज होल्डी प्लीज एक और मसला उसका यह है हमारा लैंग्वेज का मसला ठीक है हमारे जो पीसीबी के सरबराहान गए हैं पिछले आईसीसी के सेशंस में और उनके उनकी मीटिंग्स में हमारी आवाज़ नहीं है आईसीसी में हमारे रमीज राजा क्वार्टर फाइनल से मैं कमेंट्री नहीं कर रहा था उसके बाद एक आवाज़ नहीं थी पूरे बारह कितने दस दिन तक वर्ल्ड कप चला है एक आवाज़ नहीं थी पाकिस्तान की हमारी टीम निकली हम खुदा है टीम निकलने से पहले ही रमीज राजा पता नहीं कहां चले गए थे अल्लाह अल्लाह रहम करे अल्ला करे सब खैरियत हो लेकिन कोई एक पाकिस्तानी वॉइस नहीं है और जो पाकिस्तानी को हमने पाल पोस के बड़ा किया था ना वो वो रैम के ऊपर शेरवानिया और 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 बूट्स पहन के शो मारता फिर रहा है। कौन है वसीम अक्रम ये प, अभी परसों कराची के द फैशन वीक में

What, how many big players do we have in our team, in this squad? Okay, do you, please turn down the volume of, of your TV. I think there's a lot of echo, we couldn't understand you. Turn off the volume of your TV and then please repeat your question. Go ahead, please. Um, if every team has a big hitter. If every team has a big hitter. Oh, how every team, how team has a big hitter, hitter okay. So do we have a big hitter? So uh, how many big hitters <coughs> do we have in the squad? Do we have any big hitters in the team? Yes uh, we do. Apparently I think we all we have is big hitters in the team. No, no. अब आ गए ना big hitter आ गए ना अब लड़का हमारे पास दो तीन लड़के नए हैं इन बच्चों को थैंक यू फॉर द कॉल और कौन बिग हिटर्स हैं हमारी टीम में अब सर अनवर अली होगा अनवर अली हमारे लिए बहुत बड़ा बिग हिटर होगा इसको अगर एक साल तक टीम का परमानेंट फिक्सचर बना दिया जाए और उसको कॉन्फिडेंस सरफराज अ बिग हिटर सरफराज है सरफराज तो मैन्युफैक्चर करता है स्ट्रोक सरफराज तो बॉलर के लिए परेशानियां खड़ी कर देता है आगे पीछे होता है आगे पीछे तीज़ तो, होकर और फास्ट बॉलर को स्वीप कर देगा ये कर देगा वो कर देगा तो वो एक सरफराज है अवर, बिजी बिजी बैट्समैन बैट्समैन अनवर अली है सरफराज है और उसके बाद वो लड़का हमारा जो अभी नया बच्चा जो अच्छा उमर अकमल इज अग हेर वनी अच्छा ये मुझे बताइए कि उमर अकमल को इन्होंने हटा दिया से हरिफ़ अब नहीं उमर अकमल को नहीं इन इनको चार पांच नाम और हटाने चाहिए थे उमर अकमल को हटाया उन्होंने हाँ उमर अकमल को हटाया है, हाँ, को हटाया है एम आ, और इनको इनको ये डिसिप्लिन पे हटाया है ये भी सुना है कि एम एस शहजाद और उमर अकमल को कहा जा रहा है कि एक साल के लिए इनके रवैये की वजह से मिसबा और वक्ार ने दरख्वात किया कि इनको एक साल के लिए ब्रेक दी जाए ये इसमें कहाँ था सदाकत था बात में बिल्कुल ठीक है ये बात ये बात बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा आम, मुस्तनद एक स्टेटमेंट है डॉन हाँ हाँ मुस्तनद स्टेटमेंट्स आई हैं और डॉन वॉन छोड़ो यार वहाँ हम मौजूद थे ना लड़के मौजूद थे सब पता चलता था क्या हो रहा है अहमद फिर वही बात अहमद बहुत प्यारा दोस्त है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा बच्चों की तरह है मेरे लेकिन

कोच को बोल दिया मुझे सब आता है तो इन चक्करों में प्रैक्टिस करने लिए इनको कुछ समझा नहीं सकता कि बैटिंग की पचास ऊपर हो जाए फिर ड्रा करना देखो मेरी पच्चीस की बैटिंग एवरेज नखरे ऐसे इनके विराट कोहली वाले वही वाली बात अंधो में राजा तो काने को भी सही नजर नहीं आ रहा है मतलब, तुम सही कह रहे हो लेकिन फिर वही बात आती है ना और दुनिया के बड़े बड़े बात इनकी तरबियत कमी है बात इनकी नहीं है क्यों बिला वजह इन पे उंगलियां उठाते हो बात सिस्टम की है बात ऊपर वाले की है जो ऊपर बैठे हैं जब 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 आपको पीसीबी का चेयरमैन जो खुद गलत कामों में मसरूफ मस्रू, हो मुलिस हो उसका मुंह होगा कि अहमद तू इस तरह का एटीट्यूड रखेगा तुझे निकाल दूंगा अबे यार, खुदा को यार। वो वो उठा वो बात सुनो शायद तूने कैच मैं तुझे अगले गेम में नहीं खिलाऊंगा वो तो चाचा वजीर आजम गया तो तुम भी गए इसमें नॉन रियल क्या बात की मैंने

चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो चाहे वो उनकी पीपुल्स पार्टी के अहमद तो भाई एक मिनट होल्ड अहमदाई वो, वो, वो जनाब उन, उनके लोग पीसीपी के सदर बने चाहे वो पचपन तिरपन पैंतीस पंक्चर हो तो वो जनाब कोई और बन जाए चाहे वो हाई कोर्ट हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो पैरों के नीचे रखते हैं ये काशी भाई आप भूल जाए कि ये शो पाकिस्तान में दिखाएंगे आप भूल जाइए आपने ऐसी बातें कर ली है अब हाँ आप कहेंगे ये शोर पाकिस्तान में दिखाएंगे बात अब स्टेशन बंद करवाएंगे सर पाकिस्तान में जनाब नहीं नहीं आप सच कह रहे हैं मगर अल्लाह का यकीन नहीं आता भाई तो खुद देखो ना मुझे यह बताओ मैं तुमसे सवाल करता हूं नसीम अशरफ साहब की क्या क्वालिफिकेशन थी कि वो पीसीबी के सदर बने रहे और लड़कों का कैरियर तबाह करते रहे चाहे वो रजाक हो चाहे वो शोब अख्तर हो चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो कोई एक का बताओ वो जिनके आफ्री से फटा हुआ था एजाज भट्ट को बीच में नहीं बोल रहा एजाज भट्टेब यकीन मानो एजाज बट साहब का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड क्या था क्या एजाज बट की नॉलेज क्रिकेट की क्या थी मुझे जवाब दो जीरो उनकी क्रेडिबिलिटी पता है क्या थी वो कुछ एम एन बैठे हुए थे नेशनल असेंबली में अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने पीपल्स पार्टी पे ठप्पे लगाए हुए थे वो बन गए उनको यार ये पूरी दुनिया को पता है, मैं मैं तुम्हारे सामने कोई यार रास्त तो नहीं खोल रहा हूं जिस दिन जिस दिन उनको हटाना था वो एम एन ने अपने आ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हटा लेने थे इनके यूसुफ रजा गिलानी घर चले जाते फिर क्या करते बेचारे हमारी क्रिकेट तो गई अब तो तो हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं ना अगर ये सब बातें सोचे हम तो बहुत बड़े जीते। चल, चल, चलते जाओ चल, चलते जाओ ना भाई उसके बाद क्या हुआ नवाज शरीफ साहब आए फिर वो जन नजम सेठी साहब की बात आई कि उन्होंने पंजाब की गवर्नरशिप के दौरान इलेक्शन करवाए उसमें 35 पंक्चर लगवाए ये किया वो किया उनको खट से उन्होंने पीसीबी का देखो पाकिस्तान में दो इदारे हैं पैसे वाले बताओ कौन से दो इधारे दो इधारे हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन इदारे एक तो पीसीबी है एक पीसीबी है दूसरा कौन सा तो? ये आ, दो इदारे हैं इनके पास पैसा है ठीक है ना पीसीबी को एक अरब रुपया मिलेगा इस वर्ल्ड कप से एक अरब में जीरो कितने आते वो तो मुझे भी नहीं पता तो सुनते जाओ सुनते पैसे कहां जाएंगे वो मैं स्टेडियम अग, अग, अच्छा आपने खबर सुनी है पी के वो जो आ, हमारे के, पक्तुन के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 24 करोड़ रुपए की किटें खि, खि, क्रिकेट के किट बैग्स वगैरह गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी है आपको खबर मिली है अच्छी बात न्यूज में है तो उसने कहा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके अंदर चौबीस करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं कि जो के जो अपने क्रिकेट बैग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए दिया सर क्या जबरदस्त बहुत अच्छी बात है वेरी गुड लेकिन उन्होंने टीसी भी नहीं दिए सर ये इमरान खान ने दिए बहुत अच्छी बात है सुनते रहो बीच में नहीं टोका करो सर वोंट टेक अ ब्रेक नहीं नहीं ब्रेक पहले इस बात को मुकम्मल बात को मुकम्मल होने दो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब आईसीसी ने लॉ पास किया कि आप नेपोटिज्म पर और एक आदमी के डिस्क्रेशन पर आप पीसीबी का सदर नहीं बना सकते इसके लिए इलेक्शन करवा है। है। हमारे कौन पाकिस्तानी कौन है ना होशियारियां देखो इनकी होशियारी ये करी इन्होंने कि इलेक्शन तो नाम के करा दिए सबको बैठा दिया एक आदमी जो कि पपिट से भी ज्यादा ढीला पपिट से भी ज्यादा गया गुजरा उसको अनअपोज इलेक्ट करवा लिया अनपोज

आप आपकी पीसीबी हो उसके अंदर ईमानदारी उसके अंदर खुदा खौफी क्यों कर आएगी काशी भाई लोग ब्रेक काशी भाई लोग ये नहीं सोचते कि अगर यही इदारा बेहतर चले टीम अच्छा परफॉर्म करे और पैसे बनेंगे और एंडोर्समेंट्स मिलेंगी और एडवर्टाइजिंग मिलेगी तो वार ऑन थिंक ऑफ अच्छा परफॉर्म करें इसको अच्छा चलाएं तो एक अरब के रुपए से हमको ज्यादा दो हाँ, बा, मिल जाए, बिल बांटने के लिए बिल्कुल लेकिन इसमें लेकिन, साथ टीम अच्छी हो जाए, okay, जवाब दे दू। <laughs> इसका, इसका, प्राप्लम, इसका प्राप्लम है कि उनको ये पता कल नहीं पता मैं होगा कि नहीं होगा तो सानू की सर